खबर डोईवाला से है, जहां सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्कर्स राज्य कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष सुनीता राणा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर मानदेय बढ़ाने जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सूबे की सरकार उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है। इसके तहत ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल का कहना है कि प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों की मांगे जल्द पूरी की जाएगी, जिस पर सरकार को जल्द ही कोई निर्णय लेना चाहिए। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। 20 तारीख से हमारा धरना चल रहा है और उस टाइम अब तक अभी किसी ना विधायक ने ना मंत्री ने किसी ने भी होश नहीं लिए कि हम लोग सड़कों पे क्यों उतर के आए हैं। उन्हें अपनी सादी मांग रखी है कि जितना हमारा काम हो रहा है हमारा उतना वेतन बढ़ाया जाए, कम से कम आप मजदूरों वाला वेतन तो हमें दिया जाए, 18,000 तो किया जाए आप हमारा वेतन। हमने संसद में सुना विधायक जी ने बोला कि हम 6 काम करते हैं, तो आप हमें बताइए ना, ठीक है करते हैं, 6 काम से ज्यादा हम करते नहीं है। विधायक कभी हमसे मिलने तक नहीं आए, मैं खुद ऋषिकेश की आंगनबाड़ी हूँ, आप विधायक जी से इतना ही पूछ लीजिएगा कि आप लोग हमसे कितना मिलने आए, आपने कभी पूछा कि किसी आंगनबाड़ी बहन को क्या जरूरत है, क्या कमी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है, कभी आए आप आंगनबाड़ी में पता करने के लिए? कभी नहीं आए होंगे। इसी के से आप ला लीजिए 66 आंगनबाड़ियां हैं, तो अभी विधायक जी ने कभी खबर मिली और आज विधायक जी संसद में जाके सीधा बोलते हैं कि 6 सेवाएं दे रही है,